हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की सुबह की ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में 23 की मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका। बिहार के दो जिलों में बीते दो दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 13 गोपालगंज के रहने वाले थे, यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बेतिया में 10 मौतें हुई है और यहां 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। आशंका है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी ली थी। जहरीली शराब से हो रही मौतों की वजह से नीतीश कुमार की सरकार राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने बयानों के जरिए नीतीश कुमार को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी ने सीधे तौर पर अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। 21 लोगों की मौत कल हुई थी। दिल दहला देने वाली इस घटना से दीपावली के त्यौहार की चमक फीकी पड़ गई है। इसी वजह से चिराग पासवान की पार्टी ने दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब राज्य के अंदर न सिर्फ बनाई जा रही बल्कि उसे लगातार लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है। जहरीली शराब का कहर मुजफ्फरपुर जिले में दिख चुका है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बुधवार को पटना से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने दिल्ली में उनका विस्तृत चेकअप किया है। जानकारी है कि रिपोर्ट सिंगापुर भेजी गई है। सभी तरह की रिपोर्ट आने के बाद दवाइयां भी बदली जा सकती है। सिंगापुर में लालू प्रसाद के हरियाणा वाले समधी के संबंधी डॉक्टर हैं, वो भी उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। पटना में लालू प्रसाद 10 दिन रहे और दिल्ली लौट गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से उन्हें काफ़ी कमजोरी हो रही थी। खान पान में दिल्ली की तरह नियंत्रण नहीं रह गया था। हालांकि उनकी पत्नी रावड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की निगरानी में वो पटना स्थित रावड़ी आवास में रहे, लेकिन कभी कभी अपने मन का खा लिया था, जिसके कारण तबीयत पर असर पड़ चुका है। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से बनेगा पेट्रोल। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुरू हो गया है। यह बिहार में पहला ऐसा प्लांट है जिसमें कचरा प्लास्टिक से डीजल पेट्रोल का उत्पादन होगा। पूर्णी प्रखंड के खरौना डी गांव में इसका प्लांट लगाया गया है। प्लांट का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रही है। केंद्र सरकार की योजना पीएमईजी के तहत 25 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर इसकी शुरुआत की गई है। बिहार भाजपा अब साधु संतों की शरण में पहुंच गई है। 5 नवम्बर को पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक, सांसद और नेताओं की टोली बिहार के 23 मंदिरों के साधु संतों को सम्मानित करेगी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। बिहार भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद और विधायक 5 नवंबर को बिहार के 23 मंदिरों में सुबह 8:30 बजे से मौजूद होंगे। दीपावली और छठ पूजा को लेकर बिहार फायर ब्रिगेड की यूनिट पूरी तरह से अलर्ट है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी जिला, हर जगह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और फायर अफसर को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रेडी मोड में रखा गया, जिससे फेस्टिवल के दौरान छोटी या बड़ी आग लगने की घटना होने पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, आग को तेजी से फैलने से रोका जा सके, जानमाल का नुकसान कम से कम हो, इन बातों पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा। डीजी शोभा अहोतकर और डीआईजी जितेंद्र मिश्रा खुद हर पल नजर रख रहे। दीपावली से ठीक एक दिन पहले एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे सरकार ने चुनाव को लेकर ये दाम कम किए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने से ग्रोथ प्रभावित होती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, दिवाली के दिन भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लालू यादव के दिल्ली जाने के बाद सत्तारूढ़ दल के नेता उन पर हमला करने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उनकी तुलना एनआरबी, नन रेजिडेंशियल बिहारी और साइबेरियन पक्षी से कर दी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार को बिहार से कोई मतलब नहीं है, या बिहार प्रवास करने आते हैं या प्रवासी बिहारी हैं। इन्हें न तो यहाँ के विकास से मतलब है और न ही बिहार के लोगों से मतलब है। सिंह ने लालू परिवार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उनके परिवार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बिहार के किसी भी संकट में यहाँ रहते भी नहीं हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बकाया भुगतान के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो पाया था, जिसके कारण उन्हें कठिनाई महसूस हो रही थी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर निधि की व्यवस्था कर शिक्षकों के बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था की है और कहा गया कि खासतौर से दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मौसम में
वेतन का भुगतान नहीं होने को विभाग ने गंभीरता से लिया और राशि उपलब्ध कर भुगतान के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुजफ्फरपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और वाहन मुस्तैद हैं। किसी प्रकार की घटना होने पर फौरन कूच करेंगे। इसके लिए इमरजेंसी नंबर पर जारी किया गया है। फायर अफसर संतोष राज पांडे खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जगहों पर घूम घूम कर जायजा लिया जा रहा। जहां जहां अग्निशमन वाहन और पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उन सभी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। जिले में 7 प्रमुख जगहों पर इसको तैनाती की गई है और जिसमें मीनापुर, छाता बाजार, रामदयालु, मुसहरी थाना के समीप भी नंबर जारी किए गए। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ। राजस्थान के जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में अनुसंधान एवं विकास संगठन और वायुसेना ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। इसे संयुक्त रूप से भारत में डेवलप किया गया है। यह वेपन एक तरह की मिसाइल है जो जगुआर फाइटर प्लेन में लगती है। सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग सफल परीक्षण किए गए। बम के इस वर्ग का परीक्षण देश में पहली बार किया गया। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इससे पहले 28 अक्टूबर को भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।